नमस्कार दोस्तों, एसएससी इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप साहू। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम थोड़ी सी जानकारी लेके आए हैं, ज़्यादा इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। मेरे कई दोस्तों ने ये क्वेश्चन किया था कि सर, ये जो प्रॉब्लम आ रही है ब्लेड में, क्या ये सही हो सकती है? तो एब्सोल्युटली ये सही हो सकती है। एक्चुअली ये ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये कुछ हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से भी ऐसा होता है और कुछ मशीन की प्रॉब्लम की वजह से भी होता है। कटिंग के दौरान जो हमारा कटिंग एरिया होता है, वहाँ पे जो हमारी शेयरिंग मशीन वगैरह जो लगी रहती है, उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। तो हम इस वीडियो में उसी को लेकर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक्चुअली दोस्तों, होता क्या है, इसमें कारण क्या होता है? ज़्यादातर इसमें सबसे पहला कारण ये होता है कि हमारा सुपर हीट। तो दोस्तों, अगर हमारा ब्लेड का टेम्परेचर कटिंग एरिया में बेटर नहीं है, या उसका कम जितना हमें टेम्परेचर चाहिए उससे माइनस डिग्री में है, तो उस प्रॉब्लम से भी ये प्रॉब्लम्स आती है। और दूसरी बात क्या होती है कि जैसे हमारा जो शेयरिंग है, उसका जो दोनों ब्लेड होता है, लेफ्ट और राइट का, या चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो या फ्लैट कंडीशन में हो, जो भी आपके पास शेयरिंग मशीन हो, वो दोनों ब्लेड के बीच में जो गैपिंग्स होती है, वो अगर गैपिंग्स 4.5 से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि जब हमारा ब्लेड जो होता है, जो हमारा शेयरिंग होता है, वो जब कटिंग करता है, तो उसमें गैपिंग ज़्यादा होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होती है। तो और दोस्तों, इसमें ये भी होता है कि जो हमारा PCRT जो होता है, हमारा PCRT जो रोल होता है, उसमें जो गाइड्स लगी होती हैं, वो गाइड की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आती है। जैसे हमारा शेयर कटर जो होता है, जब हमारी ब्लेड को कटिंग करता है, तो कटिंग करने के दौरान हमारा ब्लेड वन साइड की तरफ कुछ ज़्यादा ही मूव करता है। तो अगर जो हमारा गाइड है, उसमें गैपिंग ज़्यादा रहती है, गाइड अगर हमारा प्रॉपरली सही तरीके से नहीं लगा है या ज़्यादा डिस्टेंस पे लगा है, तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है। तो इसलिए गाइड को एक मिनिमम डिस्टेंस पे सेट करके रखें, जितने से आपका ब्लेड फंसे ना और कटिंग हो जाए। ये आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ये थ्योरिकली हो। और दूसरी बात क्या है कि आप शेयरिंग में, दोनों शेयरिंग के जो ब्लेड होते हैं, उनमें जो गैपिंग होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 mm से लेके 4 से 5 mm तक ही रखें। इससे ज़्यादा रखेंगे तो आपका जो ब्लेड है वो सेफ इसी पोजीशन में होगा, इसी पोजीशन में कटिंग होगा। और अपने सुपर हीट का भी ध्यान रखें, थोड़ा सा जो कूलिंग है उसको हल्का कम करके रखें, क्योंकि अगर कूलिंग ज़्यादा हो जाती है, हमारा ब्लेड कंडीशन से ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो हाइड्रोलिक होता है, उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है ब्लेड को काटने के दौरान, और वो सेफली कटिंग नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से भी ये वन साइड रोम कर जाता है ब्लेड। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये कोई ख़ास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप अपने से भी सॉल्व करना चाहेंगे तो नॉर्मली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।